नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे अनस्किल्ड जॉब्स इन नॉर्वे के बारे में और ये है पार्ट टू ऑफ द वीडियो। अगर आपने पार्ट वन ऑफ द वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए और इस लिंक को क्लिक कीजिए और इस वीडियो से पहले उसे देखिए। दोस्तों, आज हम चार अनस्किल्ड जॉब्स के बारे में बात करेंगे। इन सब अनस्किल्ड जॉब्स के लिए एक रिक्वायरमेंट है मस्ट, और वो है टू मोस्ना के विल तीव्रा नॉस्क। इसका मतलब है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी नौकरी जानी चाहिए, मुझसे अच्छी। सो नंबर वन अनस्किल्ड जॉब विच इज इन हाई डिमांड इन नॉर्वे इज जॉब्स इन रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स। तो जनरली रेस्टोरेंट्स और होटल्स में क्या होता है, अनलाइक अदर कंट्रीज जैसे कि यूएस और कनाडा है, वो नॉर्वेजियन आनी चाहिए, राइट? और इवन इफ आपको नॉर्वेजियन आती है तो इट्स नॉट दैट इजी कि आप वहां जाए और बोले कि हाँ जी मुझे जॉब दे दो और वो बोले हाँ जी हाँ जी देल वेलकम यू। आपको एक सीवी बनाना पड़ता है इन अनस्किल्ड जॉब्स के लिए भी, राइट? तो आप अपना एक सीवी बनाते हो, एक वन पेजर सीवी बनाते हो, और fin.no एक वेबसाइट है, आप वहां पर भी अपना सीवी डाल सकते हैं। और साथ ही साथ जनरली एक जो ट्रेंड है वो ये है कि आप प्रिंट आउट लीजिए, 20 प्रिंट आउट लीजिए और रेस्टोरेंट्स में जाइए, इन होटल के होटल्स में जाइए और वहां पे अपना रिज्यूमे यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट। और जब आप वो दे देंगे देन दे विल कॉल यू, दे विल एक्चुअली इंटरव्यू यू, और इंटरव्यू जो होंगे जनरली एचआर रिलेटेड ही होते हैं। आप क्वालिफाई हो जाएंगे देन यू विल गेट अ कॉल। तो ये तो हो गया कि हाउ यू आर रिक्रूटेड। और फिर सेकेंड आता है कि सैलरीज क्या है। सैलरीज जो है वो एक लोअर लेवल पे है, ठीक है? स्किल्स जो मैंने स्किल्ड जॉब्स के बारे में बात करी थी वो एक हायर लेवल था, और यहाँ पे जो है बहुत ही लोअर लेवल है। आई विल से कि जो जनरली रेट चलता है वो पर आर के हिसाब से चलता है, एंड दैट इज अराउंड 200 क्रोनर्स, जिसे कि आप कन्वर्ट करें INR में दैट विल बी अराउंड 2000 रुपये पर आर। बट इट्स गुड इन अ वे, क्योंकि आप एक पार्ट टाइम जॉब के तौर पे भी इसे कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप यू विल अर्न अराउंड 300,000 क्रोनर्स पर ईयर, जो कि हो जाता है अराउंड 25 लाख के आसपास। और ये जो अमाउंट है दैट इज इंडिया में बैठ के आपको लग रहा होगा अरे आप रेस्टोरेंट में काम करके भी 25 लाख कमा सकते हो, बट यहाँ के खर्चे भी भाई वैसे ही है, राइट? सो इट्स नॉट अ वेरी हाईली पेड जॉब। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वर्किंग टाइमिंग्स होती है होटल्स या रेस्टोरेंट में वो थोड़ी ऑड सी होती है, बट इन अ कंट्री लाइक नॉर्वे एक बहुत ही अच्छी चीज ये है कि अगर आप 6 बजे के बाद जनरली आपकी शिफ्ट है देन यू आर बाउंड टू गेट मोर सैलरीज। तो इवन इफ यू हैव टू वर्क अ लिटिल हार्ड तो आपको जो है सैलरी ज्यादा मिलती है, और अगर आपको वीकेंड्स पे फॉर इंस्टेंस काम करना है तो भी आपको थोड़ी सी सैलरी जो है ज्यादा मिलती है, पर आर रेट्स अ बिट हाई। बट हाँ, वर्किंग टाइमिंग्स जो है इट्स नॉट अ 9-to-5 जॉब, राइट? वर्किंग टाइमिंग्स कैन बी बिट स्ट्रेनस। रेस्टोरेंट्स जनरली जो है 4 से 10 बजे तक इवनिंग में चलते हैं, सो बी बेवर ऑफ दैट। इफ यू आर अ स्टूडेंट, आप अपनी पढ़ाई को इस पार्ट टाइम जॉब की वजह से कॉम्प्रोमाइज ना कीजिए, दैट इज माई रिकमेंडेशन टू यू। चलिए तो नंबर 2 जॉब, दैट इज द ड्राइविंग जॉब। और ड्राइविंग जो है अनस्किल्ड जॉब है, बट हाँ ऑफकोर्स ये भी फुली अनस्किल्ड नहीं है। नॉर्वेजियन के अलावा आपको ड्राइविंग भी आनी चाहिए, राइट? सो इट्स नॉट लाइक अ कम्प्लीटली अनस्किल्ड जॉब। बट जनरली जो ड्राइविंग है उनकी 3 कैटेगरीज है। एक है यू कैन वर्क एज अ टैक्सी ड्राइवर, दूसरा है यू कैन वर्क विद द कंपनीज एंड विद द कुरियर कंपनीज ऑफकोर्स, और तीसरा है एज अ बस ड्राइवर। तो जनरली जो है रिक्वायरमेंट बिसाइड नॉर्वेजियन इज यू शुड हैव अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। और नॉर्वे में जो है लाइसेंस लेना इज अ टफ जॉब। मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस बहुत एक्साइटिंग है। यहाँ पे आप जनरली क्या कर सकते हैं, कई बड़ी कंपनीज हैं जिनकी टैक्सीज हैं, जैसे कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ एक बायरम टैक्सी, आस्कर बायरम टैक्सी करके है, फिर नॉर्गेस टैक्सी जो है वो नॉर्वे की बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, टैक्सी की कंपनी है, सॉरी नॉट ऑर्गेनाइजेशन। तो आप या तो उनके साथ टैक्सी चला सकते हैं, यू कैन गेट एनरोल्ड ऑन देयर वेबसाइट, या फिर आप एक अपनी प्राइवेट टैक्सी भी चला सकते हैं। और सैलरीज की जरिए बात करें तो स्टैटिस्टिक्स ये शो करती है कि if you are a taxi driver you can earn up to 400,000 kronas per year, jo ki hote hain 35 lakh ke aas paas, around that 35 lakhs per year. ab second hum kar lete hain jo most of jaise truck drivers ho gaye, aur khas kar jo ki badi badi courier company jaise DHL, FedEx inke liye kaam karte hain, aur Norway mein ek jo bahut badi company hai wo hai post note karke, to ye bhi yahan pe bahut se log jo hain they are employed as taxi drivers, but I haven't seen a lot of Indians doing this, kyunki Norway mein jo influx hai Indians ka that is majorly
as I mentioned, as IT engineer, engineering related. But most of the people who are either from Poland or Eastern European countries, they are generally doing these jobs. Our requirements are again the same, and salaries are a bit higher than taxi drivers. And that is because you are supposed to drive during nights, or jo aapke working hours hai, they are very stringent. Or isliye you are overpaid for that. Isliye jo salaries hai, wo a bit higher than the taxi driver. और अब तीसरे आते हैं बस ड्राइवर आर डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द पब्लिक. तो यहाँ पे आपके नॉर्वेजियन स्किल शुड बी वेरी शार्प. और जो ड्राइवर्स लाइसेंस है वो भी एक आम ड्राइवर लाइसेंस नहीं, एक स्पेशल ड्राइवर लाइसेंस होता है. दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू हैव. और बिल्कुल क्लीन ड्राइविंग रिकॉर्ड होना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था. तो इफ यू हैव दीज थिंग्स देन यू आर एलिजिबल टू बी अ बस ड्राइवर. और सैलरी जो है दे आर अगेन बिट हायर देन द टैक्सी ड्राइवर्स. एंड दैट इज अगेन बिकॉज क्योंकि आपको एक बस सर्विस है, खासकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है नॉर्वे का इन टर्म्स ऑफ बसेस, दैट इज वेरी गुड. तो वीकेंड्स पे और हॉलीडेज पे भी बसेस आर स्टिल रनिंग, एंड दैट इज व्हाई यू गेट हायर सैलरी. थर्ड अनस्किल्ड जॉब जो कि हाई डिमांड में है वो है टूरिज्म इंडस्ट्री में. जैसे कि आप लोगों को पता है कि नॉर्वे जो है वो है एक टूरिस्टिक डेस्टिनेशन, क्योंकि आपको यहाँ मिलते हैं फ्योर्ड्स, नॉर्दर्न लाइट्स, मिडनाइट सन. इसके अलावा जो है यहाँ पे बीचेस बहुत अच्छी हैं, माउंटेन्स बहुत अच्छे हैं. तो इसीलिए जो है नॉर्वे अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ टूरिज्म. और मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट जो आते हैं वो आते हैं यहाँ क्रूजेस के थ्रू. और यहाँ का जो वर्ल्ड फेमस क्रूज है वो है हुर्तिगुरुतन के नाम से. तो जनरली अगर आप उनकी वेबसाइट्स पे जाएंगे, एंड एज आई एम स्पीकिंग राइट नाउ अभी भी कुछ वैकेंसीज उनकी वेबसाइट पे हैं. तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आप यू कैन अप्लाई, जिसमें आप काम कर सकते हैं एज अ वेटर, एज अ बारटेंडर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉप्स होती हैं, आप शॉप्स के जो है कैशियर्स काम कर सकते हैं. और बहुत अलग अलग टाइप की जॉब्स होती हैं जो कि आपको एक क्रूज के अंदर मिलेगी. इन टूरिज्म रिलेटेड जॉब्स की एक खास बात है, वो ये है कि दे आर अवेलेबल ड्यूरिंग वन पर्टिकुलर सीजन विच इज मई एंड अगस्त, इसके बीच में. तो इस टाइम जो है क्योंकि टूरिस्टिक सीजन होता है तो डिमांड जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है. तो जनरली इस दौरान आप क्या कर सकते हैं कि जो लोकल रेस्टोरेंट्स है वहाँ पे भी यू कैन डिस्ट्रीब्यूट योर सीवीज, बिकॉज जनरली जब क्रूज शिप आता है एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम मोस्ट ऑफ द पैसेंजर्स ऑफ द क्रूज दे गो टू द नियर बाय हार्बर एंड दे गो टू द रेस्टोरेंट्स. एंड देन इफ यू आर इन लक यू मे गेट अ जॉब फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम. नंबर फोर जो जॉब है वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की खास बात यह है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल इन नॉर्वे फॉर ऑल द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड्स या हाउसेस या फिर कमर्शियल बिल्डिंग्स होगी. और ये जो इंडस्ट्री है दिस इज द इंडस्ट्री विच इज एक्चुअली वेरी मच सेंसिटिव टू द फ्लक्चुएशन इन द मार्केट. फॉर इंस्टेंस अगर आपका रिसेशन आता है देन इट इज द फर्स्ट इंडस्ट्री जहाँ पे आपको उसका इम्पैक्ट दिखेगा. और दूसरी खास बात इसकी ये है कि यहाँ पे बहुत सी प्राइवेट कंपनीज है. फॉर इंस्टेंस 50,000 कंपनीज नॉर्वे में रजिस्टर्ड है, और उसमें अराउंड 2,00,000 एम्प्लॉयज हैं. और मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज जो हैं वो है वन मैन ओन बिजनेसेस. इसका मतलब ये क्या है कि टेम्परेरी जॉब्स के लिए ये एक बहुत ही अच्छा साधन है. एक सर्वे के हिसाब से ये है कि 2020 तक 10,000 से भी ज़्यादा वर्कर्स इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर दीज पीपल. सैलरीज की अगर बात करें अराउंड 500,000 नॉक पर ईयर, जो कि होता है 45 लाख के आसपास पर ईयर. मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जा सकते हैं और पढ़ सकते हैं इन जॉब्स के बारे में. एंड इफ यू हैव मोर क्वेश्चंस प्लीज राइट इन द कमेंट्स एज ऑलवेज, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और आने वाली वीडियोस में आई विल ट्राई टू गो आउटसाइड एंड मेक फ्यू वीडियोस, बिकॉज आई फील दैट आप मेरे घर की हर दीवार को देख के है. यू हैव सीन ऑल द वॉल्स इन माई हाउस नाउ. अब कोई जगह नहीं बची है. दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि मैं आपको चार जॉब्स के बारे में बताऊंगा जो हाई डिमांड में है अनस्किल्ड कैटेगरी में. बट सिंस आप लोग यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए दो और जॉब्स हैं. तो उनमें से पहली जॉब है वो है ग्रोसरी स्टोर्स में. कोई सुन तो नहीं रहा. इन ग्रोसरी स्टोर्स में भी यू कैन गेट अ जॉब अगर आपकी नॉर्वेजियन अच्छी है. और सैलरी जो है वो थोड़ी सी लोअर है, अराउंड 170 क्रोनर्स पर आवर. और इसके अलावा है किंडरगार्टन्स में जॉब, यहाँ पे सैलरीज डिसेंट हैं. बट आई बिलीव दीज आर दिस इज द टफेस्ट जॉब. बट हाँ, यू कैन ट्राई योर लक. दैट्स इट. थैंक्स फॉर एवरीथिंग.